भी शूट नहीं होने दिया, कुछ भी शूट नहीं होने दिया, चलो 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 चलो, 5 बजे घर से निकाल दिया। मेरे पति देव ने मुझे डांट दिया, ठीक है तो बहुत देर कर रही है, तूने इतना सामान रख लिया, तूने तो वो मुझे डांटते रहते हैं। मैंने कहा तो मैंने दो फेस बना लिए अपने, अंदर वाला फेस मेरा अभी सैड है और बाहर वाला फेस मेरा हैप्पी है ना। वो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए। हेलो बोल यावादी, क्या आज की ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैडम बहुत बिजी हैं, आज रात को हमको निकलना है। बोलो जरा गाइस, मैं इनको बोल रही हूँ थोड़ा बोल लो कैमरे के पीछे से, पर नहीं बोल रहे हैं। तो सुबह उठने के बाद चाय नाश्ता सब कुछ हो चुका है और मैं कर रही हूँ दिन के खाने की तैयारी, तो उसके लिए लेगी हूँ, तो उसके लिए बैठी हूँ मैं, लहसुन और प्याज लेकर बना रही हूँ मैं छोले चावल, क्योंकि आज शाम को हमारी ट्रेन है तो मैं फटाफट खाना वाना बना दे रही हूँ। और अभी मैं नहाया भी नहीं है, इनको बोल रही हूँ, अपने पतिदेव को बोल रही हूँ सुबह से ब्लॉग स्टार्ट कर लीजिए, पर ये नहीं कर रहे हैं। छोले बनने की तैयारी, छोले मैंने बॉईल करके रख दिए हैं, प्याज और लहसुन मैंने इसी में डाल दिया है, इसमें मैं चॉप करूंगी, टमाटर मेरे रखे हैं, आलू मैं छीलूंगी, निगले बनेगी मूंग दाल की खिचड़ी। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग हो रहा है अब दोपहर से स्टार्ट, क्योंकि मॉर्निंग में मुझे इतना काम था, क्योंकि आप लोगों को पता है आज मैं निकलने वाली हूँ अपने सफर पर, तो आज रात को है, रात को ट्रेन है लेकिन हम टाइम से निकल जाएंगे स्टेशन की ओर, तो इसलिए मैं सुबह से ही वो जो बची कुची पैकिंग थी वो कर रही थी। अब मुझे घर से निकलना है तो घर के पीछे, तो मेरे जाने के बाद घर में पीछे कुछ कमी ना हो बच्चों के लिए, मम्मी के लिए, तो उसका इंतज़ाम भी करना पड़ा था, तो सब्ज़ी फ्रूट्स वगैरह जो भी है वो रखे मैंने, बच्चे गए हैं दोनों के दोनों कोचिंग, जब तक वो आएंगे तब तक खाना बन जाएगा, उसके बाद मैं जाऊँगी अपना नहाने के लिए। नहीं मैं सोच रही हूँ नहाऊँ बाद में ही, क्योंकि नहा के सीधे रेडी होकर मैं निकल जाऊँ, हाँ नहाने नहीं जाऊँगी अभी, मैं छोटा मोटा काम कर लूँगी, जो कपड़े वगैरह फैले हुए हैं ना, क्योंकि वो ऐसे ही रहेंगे बच्चे फिर कुछ करेंगे नहीं, तो कपड़े वपड़े समेट दूंगी, उसके बाद मैं नहा के आज अब तैयार हो जाऊंगी फिर आपसे मिलूंगी, तो तब तक के लिए मैं पहले खाना बना लेती हूँ फटाफट से, उसके बाद आज मेरे बहुत काम है, बहुत काम है, ऐसे दिमाग में घूम रहे हैं काम, क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, सुन हो रखा है दिमाग मेरा अभी भी, क्योंकि आप जब घर से बाहर जाते हो और आपके पीछे बच्चे और कोई बुजुर्ग आदमी रह जाता है जो आप पे डिपेंड हो, तो आपको बहुत टेंशन होती है कि कैसे होगा क्या होगा क्या होगा। वो तो मेरे बच्चे हैं तो बच्चे थोड़ा अपनी दादी को देख लेते हैं, खाना वाना जो भी हो बना देते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे ही हैं, बच्चे तो बच्चे ही हैं, तो ठीक है। सरसों का तेल डाला है तड़के के लिए, इतना तेज इसका वो है ना मेरी आंख में लग रहा है पूरा। बाकी आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं आप लोग बताइए, आप देखने मुझे देखने के लिए तो काफी लोग देखते हैं, 100-150 लोग मुझे देखते हैं, लेकिन कमेंट मुझे सिर्फ कुछ ही लोग करते हैं, तो प्लीज आप लोग भी मुझे कमेंट कीजिए आपको मेरे व्लॉग्स कैसे लग रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करूँ कैसे करूँ, कुछ तो सजेशन दीजिए आप लोग मेरे को, है ना। तो ठीक है मिलती हूँ मैं लंच बनाने के बाद, अपने काम पे लगती हूँ फिर। तो गाइस हो चुकी हूँ मैं रेडी अपने सफ़र में चलने के लिए तैयार, तो पहले मैंने दूसरा कॉट सेट पहना हुआ था तो वो कॉट सेट बेकार लग रहा था, तो मैंने वो निकाल दिया, उसके बाद मैंने ये चेंज कर लिया, तो ट्रेन में कम्फर्टेबल कपड़े पहन के निकल चुके हैं अब, और बस थोड़ी देर में ओला वगैरह हम कैब बुक करेंगे अपनी, उसका हम निकल जाएंगे स्टेशन की ओर, हम बाय ट्रेन जा रहे हैं ये बता देती हूँ आप लोगों को, तो हम जाएंगे सीधे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, नई दिल्ली से हमारी ट्रेन है सीधे हमारी डेस्टिनेशन के लिए, है ना। और क्या बताऊँ, व्लॉग तो मैं थोड़ी देर पहले भी शूट कर देती कि मैं फटाफट कैसे तैयार हुई, लेकिन मेरे पतिदेव ने मुझे डांट दिया, ठीक है तो बहुत देर कर रही है, तूने इतना सामान रख लिया, तूने तो वो मुझे डांटते रहते हैं, मेरा मूड ख़राब हो गया, इसलिए मैंने फिर नहीं किया शूट। फिर मैंने कहा कब तक मूड ख़राब करूँगी अपना, मैं शूट तो मैंने करना ही है, मैंने कहा तो मैंने दो फेस बना लिए अपने, अंदर वाला फेस मेरा अभी सैड है और बाहर वाला फेस मेरा हैप्पी है, है ना। आइए बैठा है मेरा गोलू, ये मेरे जाने से बहुत उदास है, चलो मैं जा रही हूँ।
है ना, दोनों भाई मिलके काम करना, ठीक है? गाइज़ हम बैठ चुके हैं प्लेटफॉर्म पर आकर, दो घंटे पहले लेके आ गए हैं मेरे को घर से इतनी जल्दी 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 करके। अब यहाँ बैठे रहेंगे आराम से, गर्मी लगेगी, मच्छर खाएंगे जब तक ट्रेन आएगी, ठीक है? 6:30 बज रहा है करेक्ट, और हमारी ट्रेन है 8:30 बजे, अगर करेक्ट टाइम पर रही तो। इतना टॉर्चर करके लेके आते हैं ना ये, बहुत ज़्यादा। घर में कुछ भी शूट नहीं होने दिया, कुछ भी शूट नहीं होने दिया। चलो 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 5 बजे घर से निकाल दिया। चलिए अभी क्या करूँगी, थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर रखा है आज का मैंने मॉर्निंग में, उसको एडिट करती हूँ बैठ के जब तक ट्रेन आएगी, और बाकी का मैं ट्रेन में एडिट कर दूँगी। बाकी आप लोगों का मैं बहुत 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 थैंक यू कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप सबको मेरा जो हेयर कटिंग मैं करवा के आई थी, मेरा हेयर कट पसंद आया, तो आप लोगों ने मुझे बोला कि अच्छा लग रहा है, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत 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 धन्यवाद, है ना? मेरे बच्चे तो मुझे छेड़ते रहते हैं, आप कार्टून लग रहे हो, आप ऐसा लग रहे हो, आप ऐसा लग रहे हो, पर आप लोगों ने मुझे बोला तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइज ट्रेन में बैठ चुके हैं, मैं अपनी सीट पर बैठ चुकी हूँ, मुझे मिली है ऊपर की सीट, और मैंने मंगवा ली है अपने लिए वेज बिरयानी। मेरे हस्बैंड को मिली है अलग सीट, मुझे मिली है अलग सीट, हम दोनों हो गए हैं अलग अलग। चलिए तो वेज बिरयानी देखते हैं कैसी है। तो वेज बिरयानी में एक दिया हुआ है अचार, और एक सूप दिया हुआ है, पता नहीं किस चीज़ की ग्रेवी है। तो मैं बैठी हुई हूँ यहाँ ऊपर, और अब टेस्ट करके देखती हूँ कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है कि पैसे वेस्ट हो गए। एक पानी की बोतल दे देना भैया। तो ज़्यादा सस्पेंस भी क्या रखना है ना आप लोगों के साथ, आप तो मेरी फैमिलीज हैं, तो ज़्यादा सस्पेंस ना रखते हुए मैं आप लोगों को ये बताना चाह रही हूँ कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने के लिए, और हमारी यात्रा शुरू हो चुकी है अब ट्रेन में बैठने से लेकर। अब मैं अपना करूँगी खाना ख़त्म, और उस व्लॉग को भी यहाँ पे एंड करूँगी, क्योंकि इस व्लॉग को एंड क्योंकि अभी व्लॉग एडिट भी करना है, और आप लोगों के लिए सुबह इसको टाइम पर अपलोड भी करना है। उसके बाद कल से आपको मिलेंगे महाकाल की नगरी के मेरे व्लॉग, तो बन रहिएगा मेरे साथ। ये भी व्लॉग मिस मत कीजिएगा, पूरा व्लॉग देखिएगा, क्योंकि और कहीं कहीं पे डिस्टर्बेंस रहे आवाज़ का तो उसको मैनेज कर लीजिएगा, क्योंकि बाहर ट्रैवलिंग में भीड़ रहती है, सब कुछ रहता है, शोरगुल रहता है, तो अभी मुझे इतना आइडिया नहीं है व्लॉग्स का, धीरे धीरे सीख लूँगी, तो आप लोग मैनेज कर लीजिएगा मेरा। तो चलिए मिलूँगी आपसे अब मैं अपने अगले व्लॉग में महाकाल की नगरी में जाके, तो तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ गढ़वाली व्लॉगर शोभा। टाटा, बाय बाय, शुभ रात्रि, गुड नाइट, बाय।